सभी और ये कतर एयरपोर्ट है और ये इसका जो है वो सेंटर पॉइंट है जिसको हम सेंट्रम भी कह सकते हैं। तो बहुत वंडरफुल किस्म का एयरपोर्ट है ये। तो ये बेसिक जगह है, तो ये जो है वो इंफॉर्मेशन डेस्क है, आप इधर से देख सकते हैं। ये ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एयरपोर्ट जो है वो बनाया हुआ है। तो मेरा जो गेट है वो बी है, तो मैं जो है वो बी गेट की तरफ जो है वो जा रहा हूँ। चले आए आपको जी ड्यूटी फ्री दिखाता हूँ और इसमें से गुजरकर मैं आगे चला जाता हूँ। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। तो आज वो मुसाफरों का वो रश नहीं है जो अमूमन जो है वो कतर एयरपोर्ट पे होता है। तो ये भी गेट्स हैं इधर, B1 से लेकर B10 तक। और मेरा जो गेट है वो B8 है। ये मैं अपनी जगह लाइट चेक कर लूँ। सबसे पहले यही है हेलसिंकी के लिए 11:55 पे फ्लाइट है B8। तो मेरे ख्याल में ये बोर्डिंग जो है वो शुरू है। तो ये बी एरिया है। ये मैं अपने गेट की तरफ आ रहा हूँ, वो सामने मेरा गेट लगा हुआ है B8, तो उस पर रश भी लगा हुआ है। ये जी जो फ्लाइट थी सुबह 8 बजे होनी थी इसका टेक ऑफ, तो अब ये जो है 4 घंटे से लेट हुई है। अब ये 11:55 पे टेक ऑफ कर रहे हैं।
उसकी रीज़न ये बताई है कि कैबिन क्रू की जो थी वो शॉर्टेज थी। कुछ डिक्शन से ये तेरे चौबीस कुछ का डिक्शन से या नो नो जो गीत संभालियन या है Welcome to Finnair. No, he was Baiva. So we should go to and say, Gidex, yeah. Welcome to my channel. I am on a Finnair flight. Helsinki के लिए जा रहा हूँ मैं तो अभी जो टेक ऑफ होने वाला है बाकी जो सूरत हाल होती है वो आपको बताते हैं Can I? Yeah, thank you.